मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे टिकटॉक, मैं हूँ आपके साथ अदिति। बॉलीवुड के दो दिग्गज स्टार्स और विचारधारा को लेकर आमने सामने आ गए। वेंसडे डॉटी पॉलिटिक्स जैसे कई फिल्मों में एक साथ काम कर चुके नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर में तीखी बहस चल रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर को जोकर बताया था। इस तरह की कई बातें नसीरुद्दीन शाह ने इंटरव्यू वीडियो में कहा, जिसके बाद अनुपम खेर ने तीखी स्वर में इसका जवाब भी दिया। अनुपम खेर ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया, साथ ही कैप्शन में लिखा, जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब के लिए मेरा प्यार भरा पैगाम, वो मुझसे बड़े हैं उम्र में भी और तजुर्बे में भी। मैं हमेशा से उनकी कला की इज्जत करता हूँ और करता रहूंगा, पर कभी कभी कुछ बातों का दो टूक जवाब देना बहुत जरूरी होता है, ये है मेरा जवाब। जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा, आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कहीं कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा, पर अब ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे, आपका शुभचिंतक अनुपम। और आप जानते हैं मेरे खून में क्या है, मेरे खून में है हिंदुस्तान, इसको समझ जाइए बस। जय हो। अब ये बात आई कहां से? नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने नागरिकता कानून, एनआरसी और सरकार की नीतियों जैसे कई विषय पर बातचीत की। यही एक सवाल पर नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर के लिए ये बातें कही। अब ट्विटर पर छिड़ी बहस। इस बयानबाजी के चलते दोनों को लेकर यूजर्स भी अपने अपने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। कुछ यूजर्स ने नसीरुद्दीन शाह को ट्रोल भी करना शुरू कर दिया। चलिए, आपको तो पता चल ही गया कि खबर क्या है, तो अब आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, नसीरुद्दीन शाह को या अनुपम खेर को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बॉलीवुड के ऐसी तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए टिकटॉक को। शुक्रिया।